Am I audible, guys? गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, सो लास्ट लेक्चर पर आपस हम लोगों का नेटवर्क का इश्यू हुआ, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ठीक है, यही क्वेश्चन पे थे बेटा? हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है देखो। मैनोमीटर कंटेन्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 5.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज अटैच टू अ फ्लास्क कंटेनिंग गैस ए। ठीक है, डिजाइन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन कह रहे हैं द सेम लिक्विड इज यूज्ड इन बैरोमीटर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन व्हाट विल बी दी लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम विच एक्सर्ट्स प्रेशर इक्वल टू 1 atm। डेंसिटी दी हुई है मरकरी की 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर तुम लोग रिकॉल करो तो मैंने जो है एक्चुअली पूरा प्रोसीजर बताया, उसके बाद तुमको एक रिलेशन दे दिया था कि हाँ, लेंथ और डेंसिटी, लेंथ ऑफ द कॉलम और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड का। तो जैसे मान लीजिए कि आपने पहले क्वेश्चन के लिए ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ले क्या लिख सकते हैं बेटा कि जो लिक्विड होगा उसके लिए जो कॉलम होगा और उसकी जो डेंसिटी होगी, इन दैट कैन बी इक्वेटेड विद व्हाट, जब आपका मर्कुरी कॉलम था और डेंसिटी ऑफ मर्कुरी। याद आ रहा है? ठीक है, सो आपको बेसिकली लेंथ निकालनी है, तो ये हो जाएगा क्या रखेंगे बेटा, ठीक तो 76 हो जाएगा ना। सेंटीमीटर में बात करेंगे, अगर सेंटीमीटर में वैल्यूज दिए ना, और डेंसिटी 13.6 दिया हुआ है, राइट, अपॉन यहाँ पर डेंसिटी कितनी दी है 5.44। देखो ये वैल्यू कितनी आती है बेटा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। आप लेंथी प्रोसीजर भी यूज कर सकते हो। आप सीधे सीधे यहाँ पर वो कहता है कि गैस एग्जर्ट्स प्रेशर ऑफ 1 atm, तो आप सोचिए अगर मर्क्यूरी कॉलम होता तब तो 76 सेंटीमीटर ही होता ना 1 atm पे। ठीक हो गया। है अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा, सेकेंड क्वेश्चन में पी गैस इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरेचर प्लस ये जो कॉलम है उसकी वजह से कितना, यहां पर देखो तो 38 दिया हुआ है, और 38 दिया और 1 atm पे कितना, ये वैल्यू कितनी निकली है बेटा, 190 190 निकली है ना। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बात समझ में आई क्या? जैसे अगर एचजी दिया होता, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, तो हम 76 से डिवाइड कर देते एटीएम निकालने के लिए। तो यहां पर 38 सेंटीमीटर ऑफ द लिक्विड दिया हुआ है, तो 38/190 कर देंगे। बात समझ में आई? ये आंसर हो गया। देखो क्या आंसर निकलता है। वन 1.2 बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड वाले में वो क्या कहता है, कहता है कि गैस ए अंडरगोज 30% ट्राइमराइजेशन, देन द डिफरेंस इन द हाइट
ऑफ द टू ऑफ द लिक्विड लेवल इन टू कॉलम्स। अभी देखो उसने ट्राइमराइजेशन बोला है ना, तो 3A गैस ये कन्वर्ट हो जाता है A3 गैस में, राइट। अब आपका जो इनिशियल प्रेशर है कितना दिया हुआ है बेटा, 1.2, राइट। तो हम लोग यहां लिख देंगे इनिशियल जो दिया हुआ है प्रेशर, दैट इज 1.2, ये तो था ही नहीं। और 30% डिसोसिएशन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये कितना बचेगा, ये 1.2 माइनस 30% कितना होगा, 0.36, एम आई करेक्ट। यस तो ये कितना बनेगा, 3 गिव्स A, 0.36 विल गिव व्हाट, क्या बात समझ में आई। सर, तो बताओ टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा फाइनली जब एसोसिएशन के बाद। वन पॉइंट टू माइनस 0.36 और ए प्लस 0.12, कितना वैल्यू आता है, 0.96 0.96। अब 0.96 तुम्हारा ये किसमें आया बेटा, एटीएम में आया, राइट। तो 0.96 आ गया। ये बताओ फिर डिफरेंस कितना होगा प्रेशर डिफरेंस कॉलम में, 1 एटीएम तो इधर है, उधर पॉइंट डिफरेंस कितना आया, 1 माइनस 0.96, क्या यस बात समझ में आई। पूछा क्या है आपसे, यस तो क्या क्या मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, यस लिक्विड का कन्वर्जन क्या है बेटा, जो गिवन लिक्विड है उसके लिए कन्वर्जन क्या है। अगर तुमको सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड और एटीएम में रिलेशन निकालना है एटमॉस्फेयर के उसमें, तो क्या क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, या डिवाइड कर देते हैं। अभी हमने किया था, कितने से डिवाइड किया था, 190 से, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात बनाएगी समझ में आई क्या। बनाएगी जैसे सेंटीमीटर ऑफ एचजी और एटीएम में रिलेशन, वैसे यहाँ लिक्विड के लिए आ गया, तो आप कर दोगे यहाँ पर 0.04 इंटू 190, देखो कितना वैल्यू आएगा ये। बस हो गया, क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या बड़ा, ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं एग्जाम में। हटा दें इसको,
वाला चलो हटा दे बेटा। बाद में जरूरत हो तो दोबारा इसको देख लेना। चलो और देखो, ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए। देखो क्या कहता है, ध्यान से देखना। कहता है, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड बाय अ कॉलम ऑफ मर्कुरी। ये यहां पर देखो मर्कुरी दिया हुआ है और इधर एयर ट्रैप्ड है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली इन अ रूम एट 1 ETM। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रेशर एज शोन बिलो, मतलब उधर लिखा हुआ है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली विद ओपन एंड अप, विद ओपन एंड डाउन। अब थर्ड पे पहले नहीं आते, पहले ए एंड बी की बात कर लेते हैं। देखो जब तुमने हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, जो ट्यूब है वो अगर हॉरिजॉन्टली रखी हुई है तो ये जो मर्कुरी कॉलम है, मर्कुरी की वजह से कोई प्रेशर नहीं आएगा एयर पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बिकॉज जैसे मान लीजिए इधर से 1 ATM प्रेशर है, एटमॉस प्रेशर, तो बिकॉज ये लिक्विड है तो इसके हर एक पॉइंट पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आपको 1 ATM प्रेशर मिलेगा। ठीक है ना, तो इधर जब जाएंगे तो इस पे इस मर्करी की वजह से कोई प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तुमने इसको कैसा कर दिया, वर्टिकल किया, तो आप सोचिए अगर मैंने यहां पर ऐसा ये मर्करी कॉलम रख दिया तो ऑफ कोर्स जो अब गैस होगी यहां पर, ये जो गैस होगी, गैस का प्रेशर अब क्या होगा बेटा, गैस का प्रेशर इस केस में क्या होगा, पहले जितना था, पहले कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PATM प्लस, अब ये जो मर्क्यूरी कॉलम है इसका प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा। मैं कह रहा, अच्छा ये यहां पर 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर लिखा है। अब ऑफ कोर्स ये 10 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, प्रेशर आएगा तो ये कम हो जाएगा। बात समझ में आई, प्रेशर आएगा तो ये लेंथ कम होगी ना, ये नीचे जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं प्रेशर जो है ड्यू टू दिस मर्कुरी, है ना ये। अच्छा अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया होता, जैसे वो कहता है ना विद द ओपन एंड डाउन, वर्टिकल रखना है विद ओपन एंड डाउन, तो अब तुम्हारा जो ये मर्कुरी कॉलम है ये, और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से है, लेकिन आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पी गैस हम लिख देंगे PATM माइनस वो जो मर्कुरी कॉलम की वजह से है PAG लिखा। बात समझ में आई क्या, क्लियर है। अब तुम जब इसको देखो, कहता ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल विद ओपन एंड अप। अब देखो तुमने वापस ऐसे ही किया, ओपन एंड अप किया, लेकिन इसको ऐसे रखा। बात समझ में आई क्या। अब ये तुम्हारा मर्क्यूरी कॉलम है, यहां पर गैस यहां पर है, राइट, लेकिन जो प्रेशर आएगा वो केवल वर्टिकल लिक्विड की वजह से आएगा। एम आई करेक्ट, वर्टिकल लिक्विड मतलब इन द सेंस तुम्हें वर्टिकल वो लेंथ चाहिए। तो बेसिकली तुमको ये चाहिए, ये क्लियर है। सो अब अगर तुमको ये चाहिए, तुम्हारा ये 45 दिया हुआ है और ये लेंथ 8 दी हुई है, और तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, यस क्या क्लियर है, सर। राइट ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सीधे डील कर लेते हैं सेंटीमीटर में ही, हम क्यों एटीएम वगैरह में रखें। तो पहले वाले केस में सोचो क्या कर देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर ऑफ एचजी में, 76। 76 प्लस क्या कर देंगे हम लोग, 76 प्लस 8, एम आई करेक्ट, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 76 माइनस 8 कितना हो जाएगा, सही है क्या। यस सर।
सेंटीमीटर ऑफ एचजी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, और यहां पर इसी तरह से आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर पी जो हो जाएगा गैस के लिए वो हो जाएगा कितना, कहाँ गया, 10 10 नहीं सॉरी 70, 76 प्लस, और ये तुम्हारे कितने निकलेगा बेटा, एक ये आप निकालना। अच्छा अब हमको ये इसको यूज कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? नो नहीं चेंज हो रहा है, तो हम लोग ये लगा सकते हैं ना बॉयल्स लॉ, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है, इनिशियल प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर यहां पर हम लोग लिखेंगे कितना, 1 atm मतलब 76 इंटू वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए ले लेंगे। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया तो ए इंटू यहां पर लेंथ शुरू में कितनी, इसको L1 मान लो है ना, और P2 इंटू बाद में मान लीजिए कि लेंथ L2 हो जाती है, आपने L2 ले ली। क्या बात समझ में आई, ये हो गया। अब बस तुम्हारे पास एरिया तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कैंसिल ही हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी L1 तुमको 10 दी हुई है, जरा सबके आंसर्स निकालो बेटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अब तुमको ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे इजीली आप कर पाओगे उसको। फटाफट अप्रोक्सीमेट आंसर बोलो बेटा सबके। निकल कर आया कोई आंसर? सर वो क्वेश्चन लिख क्वेश्चन क्या चीज बेटा? लिख रहे थे सर ओके
फर्स्ट तो इंटर को था तो कंपनी पहले क्वेश्चन का आंसर आया 8.9 अप्रोक्सीमेटली कह रहा है। मेरे पास जो आंसर दिया है पहले के लिए 9.047 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, अगर तुमको 9 के आसपास आया है तो सही है। दूसरा वाला आंसर बेटा, कितना आया बेटा? 11 ना? हाँ बिल्कुल सही, 11.18 सेंटीमीटर मेरे पास दिया हुआ है। थर्ड का आंसर, टेन से कम होगा कि ज्यादा होगा? देखो यही आंसर आ रहा है 9.3। नहीं बस बस बिल्कुल सही। चलो हटा दें इसको। सर, देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसको कॉपी मत करो, आप केवल उसको अटेम्प्ट करो, और मैं क्या करता हूँ इसकी पिक्चर तुम्हारे ग्रुप में डाल देता हूँ, जिससे बाद में आप कॉपी कर लेना, स्पेस छोड़ देना, चलेगा? हाँ, तो मैं इसकी पिक्चर क्लिक करके तुम्हारे ग्रुप में डाल देता हूँ, और बाद में तुम उसको वहां से लिख लेना, स्पेस छोड़ देना अभी, सो दैट तुम्हारे नोट्स प्रॉपर बने, नहीं तो क्या होगा कि सब क्वेश्चंस फिर आप बाद में डिलीट कर दोगे पिक्चर को, कॉपी जरूर कर लेना। जी
ये क्वेश्चन में बेटा इसको ये 36 कर लेना, ये यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर 36 दिया, यहाँ गलती से 40 लिखा हुआ है, ठीक है। चलो आंसर आया, चलो डिस्कशन कर लें। हाँ ओके वेरी गुड। देख ये बताओ कि हम लोग यहाँ पर पी इनिशियल कितना लिख सकते हैं इस जो एयर ट्रैप्ड है, पी इनिशियल कितना लिख सकते हैं? 180 180 mm, दैट इज 76 cm ऑफ एजी। क्लियर है, ये हो गया 180 mm हो गया। और तुम्हारे पास वॉल्यूम इनिशियल क्या लिखोगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ दी है क्या? ये लेंथ नहीं दी हुई है, तो आपने कुछ L1 ले ली मान लीजिए, ठीक है, और फिर पी फाइनल कितना ले दिया हुआ है? पी फाइनल पता है आप? हाँ वन वन टू कैसे आया? देखो वन तो आपको पता ही है, 76 प्लस
लेंथ कितनी है? 36। यस ये क्लियर है। सर। और वी फाइनल क्या हो जाएगा? ए तो वही है, और यहां पर एल टू कर दो। बात समझ में आई क्या? यस यहां पर क्या लिखा हुआ है? द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकल कीपिंग ओपन, लेंथ ऑफ एयर कॉलम श्रिंक्स टू 19 सेंटीमीटर। यानी एल टू दिया हुआ है कितना? क्या बात समझ में आई? अब क्या कर दोगे? पी आई वी आई इज इक्वल टू क्या लगा दोगे? पी एफ वी एफ, एम आई करेक्ट? तो यहां से हमारा जो बेसिकली आपको L1 पता चल जाएगा। L1 कितना हो जाएगा बेटा? L1 हो जाएगा तुम्हारा 19 × 112 अपॉन 76। इज इट क्लियर? सर ये कितनी वैल्यू आएगी? किसी ने निकाला है इसको? 28। 28। 28। L1 आपका 28 है, L2 आपका 19 है। पूछा क्या है? बताइए क्या आंसर होगा? सबको क्लियर है बेटा? यस क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं, मैंने ग्रुप पे डाल दिया है। हाँ सर। पढ़ा बेटा, अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। यस अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग फटाफट अपने आप करो। हाँ इसमें मेरी हेल्प आपको कायदे से नहीं लेनी है। थोड़ा सा अलग किया, क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो मैं ग्रुप पे डाल रहा हूं। जहां भी आपको जरूरत हो ना तो आप मुझे बोलो, मैं पिक्चर क्लिक करके डाल दूंगा। हो गया बेटा? दिमाग लगाइएगा बेटा। याद रखना जो लिक्विड है यानी मर्कुरी कॉलम है, वो जब वर्टिकल आएगा यानी वर्टिकल लेंथ से ही वो प्रेशर चेंज करता है, हॉरिजॉन्टल पे नहीं करता। और
एनीवन विद द आंसर? ओके, देखो आंसर्स बहुत क्लोज हैं। पद्मकांड बेटा, कुछ आंसर आया? नहीं थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज ट्रैप्ड एयर कॉलम्स ऑफ लेंथ 46 एंड 44.5 सेंटीमीटर अबव एंड बिलो मेटल पैलेट ऑफ मर्करी 5 सेंटीमीटर इन लेंथ व्हेन हेल्ड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द वर्टिकल। अच्छा, व्हेन प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली द कॉलम्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑफ कोर्स, अगर मान लीजिए कि आपने हॉरिजॉन्टल रखा और यहां पर आपने ये 5 सेंटीमीटर का मर्कुरी कॉलम है तो उसको ऐसे ही रहने दिया, ये लेंथ कितनी हो जाएंगी, कुछ पता है क्या? इक्वल क्या तुम लोग ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को वो पता चल गया, कितनी वैल्यू आएगी, 45.25 45.25। ठीक है, द टेम्परेचर इज 20, द प्रेशर ऑफ एयर कॉलम्स इन सेंटीमीटर इन द ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल। ओके, तो आपको यहां पर देखो फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर ऑफ एयर कॉलम्स इन सेंटीमीटर, फाइनल प्रेशर पीएफ, और यहां पर भी प्रेशर सेम होगा, एम आई करेक्ट? सर। तो हम लोग जरा इनिशियल और फाइनल पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लेट अस से इसको कितना ले लें हम लोग, इसको मान लेते हैं P1 प्रेशर, यहाँ पर मान लेते हैं P2 प्रेशर, एम आई करेक्ट? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं P1 इंटू, और यहाँ पर V1 की वैल्यू आएगी तुम्हारी कितनी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है 44.5 लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू पीएफ इनटू कितना आ जाएगा बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू 45.25। क्या बात समझ में आई? सर ठीक है, इसी तरह से हम लोग P2 इनटू ए इनटू कर सकते हैं, 46 इज इक्वल टू पीएफ इंटू ए इंटू 45.25, एम आई करेक्ट? और तुम अगर ध्यान से देखो तो यहीं पर रिलेशन निकाल सकते हो, भाई ये मर्करी कॉलम स्टेबल है ना, इसका मतलब इधर से जो प्रेशर लग रहा है और इधर से प्रेशर जो लग रहा है, तो इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये बेटा कितना निकाल लोगे, बता सकते हो क्या तुम? ये 5 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 5 साइन, कितना आएगा 60, कौन सा एंगल है 60, ये एंगल है ना, 30 हो जाएगा, राइट ना, तो ये हो जाएगा 5 साइन 30, तो 5/2 कर सकते हैं, एम आई करेक्ट? तो तुम्हारा यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा, अब बिकॉज ये इस समय तुम्हारा इसकी वैल्यू हो जाएगी, मैं इसको लिख सकता हूं P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 5/2, क्या सही है क्या, जरा देखो।
ऐसा लिख सकते हैं, सर P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 5/2। अब तुम्हारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं, क्या तुम इनसे सॉल्व करके निकाल सकते हो बड़ा आंसर? सर देखो, कुछ हो पा रहा है? सर कितना वैल्यू आ रहा है? सीधे सीधे आप यहां पर इतनी ज्यादा वो नहीं करना है, आपको पीएफ के टर्म्स में सब लिख दो। P1 यहां पर पीएफ के टर्म्स में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीएफ इंटू 45.25 अपॉन 44.5, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा पीएफ 45.25 अपॉन 46 प्लस 5/2। पीएफ इज द ओनली अननोन हियर। और पीएफ ही तो निकालना है। कितना आंसर आया देखो, सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर। चलो हटा दें। हाँ, यस लेकिन ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना बड़ा ग्रुप में से। हाँ चलो, अब मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चंस करने में तुम्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब डिफरेंट टाइप्स के सब ले लिए हमने इसमें। चलो अगला हेडिंग डालिएगा बेटा, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एफ फ्यूजन। वैसे डिफ्यूजन तुमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको यहां पर देखना होगा, सबसे पहली चीज आप ये समझ लो, लॉ तो बाद में आएगा, पहले ये डिफ्यूजन होता क्या है। वॉट इज डिफ्यूजन? ठीक है, ये लिखिएगा, एक छोटा सा नोट लिखिए इस पे। डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज, डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज स्प्रेडिंग आउट, डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स, कैन बी डिफाइंड एज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम अ कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स
which results in an increase in the which results in an increase in the entropy of the substance which results in an increase in the entropy of the substance entropy of the substance which allows them to separate from one another the greater the distance between the molecules ya greater the space between the molecules asa karke likhe the greater the space between these molecules greater will be the ability of the molecule to spread out from one another greater will be the ability of these molecules to spread out from one another spread out from one another क्या लिख लिया बेटा आपने मान लीजिए कि मैंने कंटेनर ऐसे लिया है ना यहाँ एक यू नो सेपरेटर लगा दिया लिड लगा दी यहां पर गैस भरी हुई है ठीक है यहां पर गैस तुमने भर दी है गैस के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं क्या बेटा थोड़े बड़े बनाने पड़ेंगे मुझे चलो तो आपने क्या किया ये जो सेपरेटर है ये कंपार्टमेंट दो बनाए थे आपने ये हटा दिया लिड हटा दी तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये चुपचाप यहाँ बैठे रहेंगे कि भाई ऊपर भी जाएंगे ऊपर जाएंगे ऐसे अब ऐसा थोड़ी ना कि तुमने हटा भी दिया और बड़े आज्ञाकारी हैं कि भाई यहीं बैठे रहना तो यहीं बैठ गैस है वो तो जाएगी जाएगी तो ये बेसिकली पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो गई क्या बात समझ में आई बेटा ये इसको डिफ्यूजन कहते हैं लेकिन एक टर्म तुमने लिख लिया वहां पर एंट्रोपी तो नीचे हल्का सा लिख देना व्हाट इज एंट्रोपी ऑल्दो ये मैं ना भी बताऊं आपको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ये थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बट ठीक है लिख लेते हैं यहां पर लिख देना व्हाट इज एंट्रोपी के नीचे डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस मैंने एक बार पहले भी शायद एंट्रोपी टर्म का लिया था नाम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर मेन फोकस रखना डिसऑर्डरनेस पे बेटा ये बताओ बेटा तुम्हारे पास यू नो फ्रीडम होती है तो तुम ज्यादा ऑर्डर्ड में रहते हो या डिसऑर्डर्ड वे में कब आ जाते हो जब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लिमिटेशंस होते हैं या फिर फ्रीडम होती है किस में तुम ज्यादा डिसऑर्डर्ड वे में रहते हो फ्रीडम ये ऑब्वियस है ना अभी तुम जैसे क्लासरूम में जबरदस्ती तुमको मान लीजिए बैठाल कर रखा गया है तुम लोग आराम से बैठे हुए हो जैसे ही अभी ब्रेक अनाउंस करे भागना शुरू कर दोगे कोई कहीं भाग रहा है कोई कहीं भाग रहा है यही डिसऑर्डरनेस है समझे ना एंड तुमको अगर कोई बोले कि भाई एक लाइन में सीधे चलो ऐसे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू और तुम कैसे चलते हो झूमते हुए चलते हो सड़क पे है कि नहीं तो क्या होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है ऑर्डर्ड या डिसऑर्डरनेस तो उसी लिए हम बोलते हैं कि जो अपने आप प्रोसेस होता है उसमें एंट्रोपी बढ़ती है जो अपने आप प्रोसेस होता है उसमें एंट्रोपी अब तुमने ये जब लीड हटाया था तो ये अपने आप ऊपर जा रहा था कि तुम ऐसे लेके जा रहे थे अपने आप हो रहा था ना तो यही टर्म देखो लिखा हुआ है विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द एंट्रोपी क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है क्या एक्चुअली अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता एंट्रोपी से रिलेटेड बट एक
हल्का फुल्का आइडिया तो रख ही सकते हैं कि मतलब, क्योंकि अब धीरे 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 एंट्रोपी एक ऐसा टर्म है कि जब तुम आईआईटी के अंदर भी पहुंच जाओगे तो भी समझने में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन तुम जो उसको सिंपल तरीके से सोचोगे ना उतना तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो आई ट्राइड यू कि थोड़ा सा घरेलू एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आए, लेकिन अगर तुमसे डायरेक्टली मैं पूछूं कि बेटा बताओ गैस लिक्विड और सॉलिड किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, तुम्हें क्या कहोगे? गैस गैस की है ना, क्योंकि उन पे ज्यादा फ्रीडम है तो मूवमेंट के ज्यादा चांसेस हैं तो एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। ये हो गया, तो हमने एक तरीके से ये तुम्हें एक डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखाई थोड़ी सी डिफिकल्ट। ये ड्रॉ कर लिया क्या, इसको हटा देते हैं और एक दूसरे तरीके से तुमको ये डेफिनेशन बताते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहां पर दो गैसेस लग दी, यहां पर कोई एक गैस ले ली ठीक है, और यहां पर कोई गैस ले ली ठीक है, यहां पर गैस ए यहां पर गैस बी, और तुमने जो है फिर ये लिड हटा दिया, तो बेसिकली क्या होगा, अब वो गैस ऊपर वाली नीचे आएगी, नीचे वाली गैस ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि बी बोल, ऐसा तो हो नहीं नहीं सकता, बी बोलेगी ऐसा है ए तू अपनी टेरिटरी में रहना, मेरे इधर नहीं आना, पॉसिबल तो है नहीं, सब एक दूसरे के उसमें जाएंगे। इसको कहते हैं इंटरमिक्सिंग। तो डिफ्यूजन को हम लोग काइंड ऑफ इंटरमिक्सिंग भी बोल सकते हैं। क्या थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही हैं? तो लिखो बेटा, अनदर वे टू डिफाइन डिफ्यूजन, लिखिएगा डिफ्यूजन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, डिफ्यूजन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस, टू और मोर गैसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी रिलेशनशिप, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेंसिटी रिलेशनशिप एंड विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी मतलब बाहर से कोई आप उसको हेल्प नहीं कर रहे मिक्स करने में, वो अपने आप प्रोसेस हो रहा है ठीक है। चलो ये हो गया, अब एक काम करते हैं एक दो क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद लॉ पे जाएंगे है ना। थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि इस फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली इन सब चैप्टर्स में आपको क्वेश्चंस करने सीखने हैं। तो देखो ये डेल्टन्स लॉ भी पढ़ लिया है तुमने ठीक है, और डिफ्यूजन का भी आइडिया है। तो याद ये रखना है बेटा कि जब डिफ्यूजन होगा प्रोसेस, तो बाद में एक स्टेबिलिटी आने का मतलब ये आप ऐसे समझ लो कि प्रेशर जो होगा वो सेम हो जाएगा, राइट ना, प्रेशर सेम हो जाएगा, ये माइंड में रखना है। तो जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, कहता ना कंसीडर द कंपोजिट सिस्टम विच इज हेल्ड एट 300 केल्विन शोन इन द फॉलोइंग फिगर, एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इफ द बैरियर्स सेपरेटिंग द कंपार्टमेंट्स आर रिमूव्ड, एज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ द बैरियर्स इज नेग्लेजिबल ठीक है। तो अब तुमने ये बैरियर यहां से हटा दिए, तो बेसिकली ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो ये इधर उधर जाएंगे, राइट ना, डिफ्यूजन होगा। हमें करेक्ट ये तुमसे पूछा क्या है बेटा इसमें, इफ द बैरियर सेपरेटिंग द कंपार्टमेंट्स आर रिमूव्ड, तो बेसिकली ये जो फाइनल टोटल प्रेशर होगा वो बेसिकली क्या होगा, पार्शियल प्रेशर
ऑफ हीलियम पार्शियल क्वेश्चन प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ज़ेनॉन, ये होगा टोटल प्रेशर। मानते हो कि नहीं, डाल्टन्स लॉ यही तो कहता है, डाल्टन्स लॉ यही कहता है, राइट। तो यहां पर अच्छा अब तुम एक काम करो, सबसे पहले तो देखो कि यहां पर जैसे आप हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम जो है यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, इनिशियली निकाल सकते हो हीलियम के मोल्स, इनिशियली क्या फाइनली भी यही रहने वाले, हीलियम के मोल्स कितने होंगे, वो केवल इस कंपार्टमेंट से ही निकल आएंगे। प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम मालूम है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1.5 × 2 और RT नीचे, R दिया हुआ है और T मालूम है, क्या बात समझ में आई। फिर यस तुम यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन भी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 2.5 × 4/RT। यहां से आप जो है निकाल लोगे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ज़ेनॉन, तो ये जाएगा 1 × 1/ और यहां पर RT, ठीक है। अच्छा ये मत कर देना बेटा कि तुम जो है इन प्रेशर्स को ऐड करके फाइनल आंसर बता दो। हाँ हाँ बोलो ना। मैंने क्या वो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला निकाला था, P1 P1 अपॉन P+P2P2, वो वाला लगा सकते हैं यहाँ हाँ वही लगाना है। पर वो जो अपन ने 3 कंटेनर के जो आंसर निकाला था वो वाला लगा सकते हैं। नहीं तो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, क्योंकि फाइनली अभी देखो मैं करके देता हूं तो हो सकता है तुमको लगेगा कि वही चीज हो रही है। देखो अब इसमें टोटल वॉल्यूम फाइनली कितना लोगे, चाहे वो कोई भी गैस हो, वॉल्यूम ठीक कितना हो जाएगा, हाँ 2 + 6 है प्लस 2 + 4 + 1 कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 7 लीटर्स ना। तो अगर हम लोग यहां पर अब लगा देंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो यहां पर प्रेशर जो हो जाएगा वो तो निकालना है तुम्हें, पी फाइनल या टोटल जो भी आप बोलो ए, और ये हो जाएगा तुम्हारा आरटी तो मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1.5 × 2 + 2.5 × 4 + 1 × 1, ये तुम्हारा हो जाएगा और आरटी आरटी कैंसिल और नीचे वॉल्यूम 7, क्या यही है, तुम इसी की बात कर रहे हो ना। हाँ तो मैंने कहा ना ये तो मैं प्रोसीजर बता रहा था तुमको, लेकिन जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिराइव किया इस तरह से उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हो गया बेटा। अच्छा इस ये जो पीएफ है ये तो टोटल प्रेशर है राइट ना, क्या तुम पार्शियल प्रेशर्स भी निकाल सकते हो,
सर, क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन ये तो प्रेशर ठीक है, या फिर तुम सीधे यहां पर लगा सकते हो P1 V1 मालूम है, और बाद में तुम्हें जो है P2 निकालना है इसके लिए, और वॉल्यूम तो टोटल ही हो जाएगा। बात समझ में आई? सर। इसको हटा दें। ओके, अभी देखो इसमें खास बात ये थी कि तुमने थ्रू आउट जो है टेम्परेचर को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। इसको देखो बेटा, सबने सोच लिया? क्या आंसर निकाला है बेटा? वेरी गुड, सबको आ गया ना ये? और
1:6 है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसमें बेसिकली तुमको जो अप्लाई करना है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लेकर चलना है। ठीक है, सो इसको डिस्कशन की जरूरत है। दोस्तों नेक्स्ट देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन 1 मिनट चाहिए। क्वेश्चन में ग्रुप में डाल दूं? ये हाँ देखो, अगर बाय चांस तुमने क्वेश्चन पहले कर लिया बाकी सबसे तो कॉपी कर सकते हो, ऐसा बैठकर वेट नहीं करना है। लेकिन अगर डिले हो गया तो फिर उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। चल, तो क्वेश्चन मैंने ग्रुप में डाला, आप तब तक इसको अटेम्प्ट करिए। अ फ्लास्क कंटेनिंग सम हीलियम गैस एट 1.5 ATM एंड 300 केल्विन इज कनेक्टेड टू अनदर फ्लास्क 4 times लार्जर इन वॉल्यूम कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बाय मीन्स ऑफ अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ठीक है, द बिगर फ्लास्क वॉज देन केप्ट इन अ थर्मोस्टैट बाथ मेंटेन्ड एट 500 केल्विन। ठीक है, एक्सटर्नली टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है वाइल अदर फ्लास्क वॉज मेंटेन एट कॉन्स्टेंट 300 केल्विन, डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर। तो देखो, एक चीज तो ये क्लियरली आप याद रखना कि भाई इनिशियली जो गैसेस हैं वो सेम टेम्परेचर प्रेशर पे है, ठीक है ना। सो अगर आप हीलियम गैस को कोई एक्स मोल्स ले लोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने हो जाएंगे बेटा? 4x। क्या बात समझ में आई? या 4 times लार्जर इन वॉल्यूम लिखा हुआ है ना ये। और उसके बाद आप गैस लॉज यूज करिए। आप हीलियम और N2 ऐसा बना लीजिए डिजाइन, तभी आपको डिफ्यूजन का आइडिया समझ में आएगा ना। ये ज्यादा बड़ा हो गया, हाँ अभी सही है क्या? इट्स ओके। यहाँ हीलियम है, यहाँ पर N2 है, ठीक है, प्रेशर सेम होगा ये माइंड में रखना है। और प्रेशर सेम होगा तो तुम्हारे पास इक्वेशन तो है ही है ना, P1V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2T2। P1 P1 कैंसिल, V1 अपॉन N1T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2T2। नया टाइप का गैस लॉ हो गया हमारे लिए। ये बात समझ में आई क्या? ये इसको यूज करो। और जो तुम्हारा ये होगा N1 + N2, ये तुम्हारा x + 4x कर दोगे, 5x हो जाएगा।
ये बार आपने समझा था ना, क्या बेटा? ये बार आंसर आगे जाकर आप समझो। अच्छा, तुमने पहला इक्वेशन लिख लिया बेटा। पहला कैसे इक्वेशन तो मैंने सामने ही देखो लिख दिए, वी अपॉन N1 इंटू 300, और करते दूसरे को कितने पे मेंटेन किया, 500 पे, राइट ना? तुम इसको लिख सकते, ये जो N1 N2 है ना, ये फाइनल मोल्स की बात कर रहे हैं बेटा, याद रखना, राइट? तो यहां पर ये हो जाएगा तुम्हारा, ये 500 केल्विन पे है और ये 300 केल्विन पे है, ये 500 केल्विन पे और वो 300 केल्विन पे। और जो इसमें स्टार्टिंग में हमने एक्स मोल्स एज्यूम कर लिया था, और यहां पर हमने इसको बोल दिया 4x, ठीक है ना? तो हमारा यहाँ पर एक N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 5x वाला केस बन जाएगा। N1 प्लस N2 5x वाला केस बन जाएगा, जो हमने एजम्पशन जिस तरह से लिया हुआ है। क्या तुम N1 N2 निकाल सकते हो? देखो, ये तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना कि V अपॉन N1 इंटू 300 इज इक्वल टू ये 4V अपॉन N2। N2 तुम ले ले लोगे, यहाँ पर ऐसे ही रख देते हैं, और ये हो जाएगा 500। दिख रहा है प्रेशर दोनों साइड इक्वल है, तो क्या तुम N1 N2 रिलेशन निकाल सकते हो क्या? कैन यू फाइंड N2 इन टर्म्स ऑफ N1? यस कितना हो जाएगा? N2 इज इक्वल टू हाउ मेनी N1? सर, क्लियर है सबको? यस N2 इज इक्वल टू 12/5 N1, ठीक है? सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको जो N1 होगा वो x के टर्म्स में पता चल जाएगा, और बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग गैस लॉस लगाइए, आइडियल गैस P प्रोपोर्शनल टू N कर देना। इनिशियल जैसे हीलियम 1.5 दिया है, प्रेशर मान लो P है, ठीक है? तो 1.5 अपॉन P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियली एक्स ले लिया, फाइनली N1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 1.5, 1.5 अपॉन पी एक्स अपॉन N1, दैट्स इट। देखो पी की वैल्यू आएगी, बिल्कुल शुरू में तुमने N1 निकाल लिया ना x के टर्म्स में, निकाल यहां सब्स्टिट्यूट करो, बताओ P की वैल्यू कितनी आई? देखो तुम्हारा प्रेशर 2.2 ATM आया कि नहीं? 2.2 ATM इज द राइट आंसर।
क्लियर है बेटा? बेटा? ये हाँ हाँ, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है ना। हाँ सर हटा दे बेटा। बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुमने देखा कि हमने यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर इसमें देखो, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, ये 300 केल्विन था राइट ना, तो हम इसके लिए यूज कर पाए। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ, अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों ने बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स भी निकाले जो कंटेनर्स में होंगे उस पर्टिकुलर कंडीशन पे। ठीक है, इसको हटा दें। ठीक केवल क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए बेटा, क्वेश्चन में ग्रुप में डाल दूंगा। Gracias.
कितना बोला बेटा? कितना नहीं, इतना तो आंसर नहीं दिया है। आंसर जो मेरे पास दिया हुआ है दैट इज 0.57। देखो इसको भी समझ लो, तुम पहले समझो। इनिशियली जो है दोनों फ्लास्क जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जो है H2 के कैरी करेंगे, मैं करेक्ट? यस सर, 0.5 है ना। यस और जब तुम हीट करोगे, जब तुम हीट करोगे, और हीट करने में क्या है कि तुमने एक को कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया है 300 केल्विन का, दिख रहा है पहले जैसा ही, जबकि दूसरा वाला जो है तुमने 400 केल्विन कर दिया। तो जो 400 केल्विन वाला फ्लास्क होगा, जो 400 वाला कंटेनर होगा, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो मूव करेंगे। उनका यस डिफ्यूजन किस तरफ होगा जो 300 केल्विन वाला है? बात समझ में आई क्या? तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो मास है, अमाउंट है, वो किस में बढ़ जाएगा, कोल्डर फ्लास्क में या हॉटर फ्लास्क में? यस कोल्डर फ्लास्क में बढ़ जाएगा। तो पुरानी वाली स्टाइल से करो ना, कि मान लीजिए कि जो 300 वाला फ्लास्क है उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है आपने जो है एज्यूम कर लिए, एक्स ले लिया या N1 ले लिया, बात समझ रहे हो? और दूसरे वाले में तुमने N2 ले लिया, तो N1 + N2 तुमको मालूम है, ठीक है? और जो P1V1 / N1T1 इसको P2V2 / N2T2 अप्लाई कर दो, बात समझ में आई? वॉल्यूम्स इक्वल है, कैंसिल कर दो, और प्रेशर फाइनली इक्वल होगा, प्रेशर फाइनली इक्वल होगा। ये तुम्हारा, इसमें हम लोग इनिशियली, अगर मैं इनिशियली लिखूं तो यहां पर लिख सकता हूं बेटा, ये प्रेशर 0.5 ATM लिख दूंगा, 0.5 मोल्स लिख दूंगा, ठीक है ना, और वॉल्यूम वी लिख दिया, टेम्परेचर 300 केल्विन लिख दिया, वॉल्यूम वी लिख दिया, टेम्परेचर 300 केल्विन लिखे। इसमें क्या करेंगे, 0.5 ATM लिखा, 0.4 मोल्स लिखा, और वॉल्यूम वी लिख दिया और 300 केल्विन लिखा। फाइनल यहां पर क्या है, फाइनल यहां पर तुमने N1 मोल्स ले लिए, ठीक है, और प्रेशर पी ले लिया, वॉल्यूम जो है वी ही है, और ये 300 केल्विन पे मेंटेन किया, और यहाँ पर हमने लिख दिया N2, ये पी, और वॉल्यूम जो है वी ही रहेगा, और ये 400 केल्विन पे आया। क्या बात समझ में आई? यस तो अगर तुमने N1 + N2 = 1 लिखा, N1 + N2 = 1 लिखा,
और 301 इज इक्वल टू 402, इज इट करेक्ट? यस सर। अब तुम पिछली बार की तरह एन टू की वैल्यू एन वन के टर्म्स में निकाल सकते हो, कितनी यस आएगी? सर। हाँ, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, एन वन प्लस 3/4 एन वन इज इक्वल टू 1। बात समझ में आई क्या? एग्जैक्टली पुराना ही तो क्वेश्चन है ये। जो भी आंसर इसमें से आएगा वो सही है, ठीक है? चलो मेरे ख्याल से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जो ग्राम्स लॉ है वो हम पढ़ेंगे और फिर उस पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है?